दोस्तों ये है महिंद्रा सुप्रो, इसका इंजन जिसका हम एस्टीमेट आपको बताया था कि पार्ट वन का एक वीडियो था जो मैंने बनाया था, जिसमें 60,000 से ऊपर का एस्टीमेट जा रहा था। तो ये उसी का पार्ट टू का वीडियो हम बना रहे हैं, और देख सकते हैं कि आप इस इंजन को हम लोग लगभग ने पूरा कम्प्लीट कर दिया है। इसमें सामान क्या आपको बताता हूँ, जो ब्लॉक है वो दूसरा हम लोग डाल रहे हैं, और उसमें जो क्रैंक है, कनेक्टिंग राड है, पिस्टन है, सब दूसरा पड़ रहा है इसमें। मतलब पहले तक सब ख़राब हो चुका था। रिंग जो है एकदम न्यू डाल रहे हैं हम लोग इसमें, और बाकी टर्बो चार्जर जो इसमें है, टर्बो चार्जर इसमें वही वाला डाला जा रहा है। अभी चेक किया जाएगा चला के इसको कि टर्बो चार्जर अगर कामयाब रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको बदलना पड़ सकता है, क्योंकि फ़ैन में जो इसके प्ले आ गया है हल्का हल्का, तो कुछ कह नहीं सकते। कस्टमर का बजट बहुत टाइट है भाई, इस वजह से हम लोग इसको डायरेक्ट बदल नहीं रहे हैं। फिलहाल पहले इसको लगा चेक करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा जैसा होगा। बाकी सब इसमें तैयारी हो चुकी है, इसको इंजन को कम्प्लीट कर चुका गया है, इसको बस चढ़ाना है किसी तरीके से। और काफ़ी मशक्क़त करने के बाद भाई साहब ये इंजन अभी कंप्लीट हुआ है, क्योंकि इसका सामान जल्दी आ ही नहीं रहा था, बहुत दूर से इसका सामान मंगवाया गया है। यहाँ पे सामान इसका ब्लॉक ही नहीं मिल रहा था भाई बिल्कुल भी, एकदम कते हम लोग परेशान हो गए थे, तो ब्लॉक मंगवाया गया है। तो जो जो पार्ट हम लोग चेंज करेंगे या फिर जो जो पार्ट में नया लगाया जाएगा, आपको वीडियो के लास्ट में एक लिस्ट दे देंगे, इसमें आप लोग देख लीजिएगा कि इसमें कौन कौन सा पार्ट हम लोग बदल रहे हैं। और अभी देखिए इंजन को चढ़ाने की पूरी तैयारी कर दी गई है। देखिए वो गाड़ी वहाँ पर खड़ी है, वहाँ पर हम लोगों ने खड़ा कर रखा है गाड़ी को जैक पे उठाकर, और फिलहाल सब तैयारी वहाँ किया जा रहा है। मतलब देखिए इंजन को ला के वहाँ रख दिया गया है, बाकी मैटिंग बिछाया जा रहा है, और लोगों को भी साथ में अपने दोस्त लोग को बुलाया जाएगा और साथ में फिर इसको इंजन को चढ़ाया जाएगा। फिलहाल आपको ले चलते हैं, चलिए वहाँ पर देख लीजिए कैसे हम लोग चढ़ा रहे हैं इसको जुगाड़ से। और यहाँ पर टाटा सुपर एस का इंजन हम लोग फेंक के रखे हुए हैं, बाद में उसका वीडियो कभी ला लेंगे। और फिलहाल देखिए यहाँ पे गाड़ी इस तरह से आपको देखिए मिलेगी। अगला हम लोगों ने पूरा पोर्शन उठा दिया है, अभी इंजन को डालेंगे। और ये भाई हमारे हेड मिस्त्री हैं, जो कि देखिए अभी नीचे यही लेटेंगे गाड़ी के नीचे। मेन काम इन्हीं का रहेगा कि इंजन को किस तरीके से गाड़ी पे चढ़ाना है, तो मेन भाई ये रोल यही निभा रहे हैं। यहाँ से पाइप लगाया जाए, पाइप लगाया जाए भाई। इंजन चढ़ चुका है, अब हम लोग उसका फिटिंग वगैरह ध्यान से कर रहे हैं। बहुत ही चारों दोस्तों गाड़ी स्टार्ट करने के बाद जो आयल वाली बत्ती है वो बुझ नहीं रही थी, जिसका मतलब ये है कि आयल जो है वो चढ़ नहीं पा रहा है, आयल पम्प इसका ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा था। तो हम लोग इसका भी आयल पम्प चेंज कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आयल बिल्कुल भी टाइम प्लेट पर चढ़ा नहीं, ऊपर अंदर बिल्कुल भी नहीं आ पा रहा है। तो इसका आयल पम्प जो है वो टाइम प्लेट के अंदर रहता है, तो इस वजह से इसका आयल पम्प चेंज कर रहे हैं हम लोग। आज मुर्गा बनी ना नाते अदीपाप, तो हम भी जाएंगे। हां तरुका तो बकरा बनवाई। हां जे भाई रुको, आज बकरा बनाओ से अच्छा एक रात यहीं बिताओ। जाने मन भाई देखो आज चढ़ा नहीं है यहां तक कहीं भी, आयल ऊपर बिल्कुल नहीं आया है। आऊ का कहता हासलू तो फसलू, यहां पे थोड़ा बहुत दिख रहा है, बाकी ये कहां से आया जानते हो? हां और पाइपिया जब निकाले हो वही वाला ना, हाँ तब वहाँ अब गिर रहा है, मतलब यहाँ बिल्कुल आयल नहीं इसमें चढ़ा है। अब देखते हैं आयल पम्प खराब है कि क्या खराब है भाई। और अब नया टाइम प्लेट लगा भाई, कहाँ आया देखे अब जा रहे हैं ले आने उसको, अगर चोरी में रखेंगे और जाने वाले। दोस्तों ये है भाई महिंद्रा सुप्रो, जिसका हम इंजन का वीडियो डाले थे फर्स्ट पार्ट, जिसमें 60,000 से ऊपर एस्टीमेट हम बताए थे कि चला गया है। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि गाड़ी अभी रवा हो रही है, इंजन बना गया है, अभी गियर बॉक्स नहीं लगाया गया है, आपको दिखाते हैं।
तो देख रहे हैं आप, जो एस्टिमेट आया है खर्चा आपको बता देते हैं। उसमें ब्लॉक में जो पल्ला पड़ता है, पल्ला जो क्रैंक को के ऊपर जो कवर होता है वो दूसरा है, वो मतलब इस गाड़ी का है, और जो ब्लॉक है वो दूसरे गाड़ी का मंगवाया गया है। तो उसकी सेटिंग बैठ नहीं पाई थी, तो खराब पे ले जाकर उसको कटवा के सेटिंग बैठवाया गया है, और हेड वही पड़ा है, क्रैंक और पिस्टन, पिस्टन नया पड़ा है, पिस्टन दूसरा सेकेंड आया था, और करंट गार्ड भी सेकेंड हैंड ही पड़ा है, दूसरा फ्रेश, क्रैंक भी दूसरा ही पड़ा है इसका, ब्लॉक भी दूसरा ही है। गाड़ी भी रमा कंडीशन में, काफ़ी आवाज़ कर रहा है, इसमें माउंटिंग है वो कट गया है तो आवाज़ कर रहा है इस वजह से काफ़ी ज़्यादा। टर्बो फिलहाल सही है, टर्बो अभी फ़िलहाल मोबिल तो नहीं फेंक रहा है, अभी हम चेक किए हैं, तो देखो सर रेस करने के बाद मोबिल फेंके कुछ भी हो सकता है, टर्बो में प्ले था, हल्का हल्का प्ले था टर्बो में, तो फिलहाल अभी टर्बो में से मोबिल नहीं फेंक रहा है, लेकिन अभी गाड़ी को चेक किया जा रहा है गर्म करके। टेम्परेचर आधे पे ही है, उससे ऊपर नहीं जा रहा है, और उसके ऊपर जाना नहीं चाहिए। जल रहा है, कहाँ जल रहा है देखो, स्टार्ट करो। भाई अगरबत्ती नहीं जल रहा है,